रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2030 तक 800 मिलियन जॉब्स ऑटोमेटिक हो चुकी होंगी। क्या आपकी जॉब भी उनमें से एक होगी? पहले हम रोबोट्स के ताकतवर हो जाने और उनके गुलाम बनने से डरते थे, पर अब लगता है कि हमें और वास्तविक चीजों की चिंता करनी चाहिए। जॉब्स ना बची रहने की स्थिति में हमारी इकोनॉमी कैसे जीवित रहेगी? क्या हम बिना किसी चिंता के आराम से इस विश्व में रह पाएंगे, या फिर हमारा सारा समाज टूटना शुरू हो जाएगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर मशीनें सारा काम करने लगें। हमने पहले भी जॉब्स को ऑटोमेटिक होते देखा है, पर इस बार ये कुछ अलग होगा, क्योंकि ये सिर्फ कम सैलरी और कम स्किल्स वाली जॉब्स नहीं होंगी, बल्कि मिडिल इनकम जैसे मेडिकल टेक्नीशियंस, शेफ्स, ऑफिस वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और इंस्पेक्टर्स जैसी जॉब भी मशीनें किया करेंगी। हम ये कैसे निर्धारित करें कि हम बेकार ना हो जाएं? एक ऐसे संसार की कल्पना करें जहां सबसे खतरनाक जॉब्स को करने के लिए हम रोबोट्स भेजें, जहां ऑटोमेशन ज्यादा रिस्क वाली जॉब्स में मानवीय भूल की संभावना को खत्म कर दे और हम अपने सबसे थकाने वाले काम मशीन को सौंप दें। मशीनीकरण से होने वाले संभावित फायदों को देख पाना कठिन नहीं है। अगर रोबोट्स हमारे जॉब्स करने लगें, तो क्या हम जिंदगी के सारे अच्छे पलों का मजा नहीं उठा पाएंगे? ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, असल में उतना नहीं है। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें रोबोट्स कभी नहीं कर पाएंगे। पर इससे पहले कि हम इसमें जाएं, थोड़ा गहराई से देखते हैं कि अगर जॉब्स रहे ही ना, तो चीजें कैसी होंगी? जरा सोचें, एक सुबह आप जॉब पर जाते हैं और पाते हैं कि एक रोबोट को आपकी जॉब के सारे रिपीट होने वाले कामों को करने के लिए रख लिया गया है, जिससे आप अब ज्यादा फायदेमंद कामों पर ध्यान दे सकते हैं। ये पहले तो बहुत अच्छा लग सकता है, पर रोबोट्स के काम करने के कारण शायद आपको आपके प्रोफेशन के लिए अब कम पैसे मिले। ये आपकी फील्ड में ज्यादा कॉम्पिटिशन भी लाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी होने के कारण अब ज्यादा लोग आपकी जॉब को कर पाएंगे। जैसे जैसे इन मिडिल क्लास पोजीशंस की जॉब्स के ऑटोमेशन का खर्च घटेगा, एम्प्लॉयर्स लोगों को काम पर रखना बिल्कुल बंद कर देंगे। इससे काफी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पहली, इन मिडिल क्लास पोजीशंस की जॉब्स खत्म हो जाने से सरकार को मिलने वाले टैक्सेस में काफी कमी आ जाएगी, और उन्हें मिडिल क्लास जॉब्स को बिल्कुल गायब होने से बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी संस्थाएं जिनके पास रोबोट्स खरीदने के पैसे होंगे, वे उनका इस्तेमाल करके और पैसे कमाएंगी, जबकि जिनकी जॉब्स रोबोट्स के होने के कारण चली जाएंगी, उन्हें गरीबी में संघर्ष करना पड़ेगा। पर ये सब इतना बुरा होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, सारी जॉब्स को ऑटोमेशन से नहीं बदला जा सकता। हमारे कई मानवीय गुणों को कोड कर पाना आसान नहीं है। इसलिए जॉब्स जिनमें सामाजिक योग्यता, पालन पोषण, क्रिएटिविटी, पढ़ाना, बातचीत करना या बेचने जैसे गुणों की जरूरत होगी, वे शायद हमेशा सुरक्षित रहेंगी। और जरूरी नहीं कि मशीनों के साथ काम करना हमेशा ही आर्थिक उथल पुथल का कारण हो। रोबोटिक काम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाया जा सकता है। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि मानवीय क्षमताओं का सम्मान हो और हम निरंतर अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं को अपडेट रखें, ताकि वे लोगों को इस नए जमाने की जॉब्स के लिए तैयार करें। ये आसान नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से इस रोबोट और मानवीय रिश्ते से ज्यादा फायदा उठाना अच्छा रहेगा। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि हम उन्हें नाराज ना करें, नहीं तो। पर ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।